नारायण नारायण हरि हरि नारायण लक्ष्मी नारायण मंदिर पौड़ी। गर्मी आज पहलवार आज सपन कभी खाना मौका नहीं मिली समय भर तो इसी अर्थिन बहुत खतरनाक। ओम नमः शिवाय। अब पंडित जी बैठा लोगों को चलिया सीधा कोरदार लैन हिमाचल जी कॉलेज। हिमालय देखा एक बेटा बहुत जबरदस्त बिल्कुल क्लियर। तो जी बहुत सुंदर सी मंदिर लक्ष्मी नारायण जी का मतलब भगवान विष्णु बहुत सारा मंदिर कैमरा भी कैमरा की निगरानी में पंडित जी छे आप कहीं जगह छाऊ तिमली गाँव का। अच्छा अच्छा तिमली गाँव पंडित जी छे मंदिर से आकर नच सजे फर्स्ट क्लास और बहुत पौराणिक मंदिर जो है पत्थर उच नहीं हो देखा कलाकृति करना जबरदस्त। अरे विजय कंडिल आज शिवजी मंदिर पंडित जी पहला पर आप शुभ नाम बता दिया। मेरा नाम है विनोद प्रसाद बहुगुणा। अच्छा बहुगुणा जी ने तो आपका बटे छाए मंदिर में 1994 बेटा बचपन ते के बड़ी भी थी। अच्छा 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 पर कार्य रूप में 1994। अच्छा 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 तो मतलब अच्छा 94 बेटा आज ही हुआ तो सपरवार मतलब आप किसी के और भी कोई पंडित जी नहीं। हाँ हाँ पति जी कुछ मेरे। अच्छा 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 हाँ एक हम पहली तीन भाई था हमारे दादा लोग ना। अच्छा 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 वो से पहले भी वो का पूर्व अच्छा और तक तीन भाई वो था तो तीन भाइयों मते दुई भाई का नहीं कम रहा था और तो नहीं रहा था। अच्छा 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 हाँ ये दुई दादा बहुत है ना हमें कम और बाकी तो ये पूजा पाठ में था एक चौरा में बैठी आप अपने गवास से एक बच्चा लोग था। तो ये मंदिर की स्थापना कब हुई लिया बारे में कुछ ये तो कुछ आएगा 18वीं सदी की मंदिर। अच्छा बहुत पुराने मतलब बहुत पौराणिक मंदिर जी। हाँ 18वीं सदी। अच्छा 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 ना भोलेनाथ जी कहीं जल चढ़ाना होना और मशहूर। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी है ना बहुत प्राचीन बहुत प्राचीन मंदिर जी जी पुरानी कलाकृति है। बाकी वो जो गेट पर है घंटी थी वो ये पर है एक लिपि लिखी थी। अच्छा उस लिपि को देख लेना कि ये कब की लिपि है। अच्छा अच्छा बाहर में ना फ्रंट में ये को वही गेट पर है। अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ जी उस पे एक लिपि लिखी हुई है। ठीक है ठीक है पता लगेगा आपको कि ये कब की है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। तीसरा जी हमारे बहु गुणा पंडित जी अरे 94 बटे छिन्न में लिख मा भोलेनाथ जी की सेवा में। हाँ वही सकते हमारा पिताजी
तो मतलब सपरवार भोलेनाथ जी की सेवा में बहुत अच्छी बात है। उनकी उत्तराखंड भक्तिमय देव भूमि च तो एक तो पूजा पाठ लगी रहन हर हर महादेव ओम नमः शिवाय भक्त लोग भी लगे आचिन बोडी जी वो बहुत वो भी बहुत प्राचीन है। वो एक तो कलाकृति दिखानी चाहिए इना भोलेनाथ जी को या ये को थोड़ा जीर्ण उद्धार हुए ना। अच्छा हाँ तभी थोड़ा नया दिखाना ठीक है। हाँ हाँ ये कोई अब ये सब जीर्ण उद्धार हुए जो ये तो सब चले भी प्राचीन। हाँ बाकी हनुमान जी भी हनुमान जी बहुत प्राचीन बहुत प्राचीन मतलब मंदिर प्राचीन तो मूर्ति भी तब टाइप हाँ मतलब और मेन पौड़ी बाजार में कोटद्वार लेन पर जो कोई भी भक्त है जो सको चो अब यू डाउन में से यू काफी प्राचीन जी अच्छा ही भैरमा पीपल में हाँ 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 अब बंद हुए पर वही घंटी पर देख हाँ वह मम्मी चेक कर लेंगे यू जी मंदिर लक्ष्मी नारायण जी मंदिर समेत भरमा माँ तक बहुत सुंदर प्रतिमा बहुत बड़ी मान्यता चाहिए मंदिर का जनता पंडित जी बताने बहुत पुरानी मंदिर च नंद जी भी एक जून उद्धार हुआ था तभी जो ये मन हो दिखाणी पुरानी कलाकृति नहीं लगे एक जून उद्धार हो गया और ये मंदिर वाकई बहुत अच्छा बढ़ गया ओम नमः शिवाय। और पंडित जी 1994 बटे परमानेंट चीक में सपरिवार भोलेनाथ जी सेवा में रहन भक्त लोग ही कहानी ले आ रहे लेकिन बहुत पौराणिक मंदिर च और बहुत बड़ी मान्यता चाहिए मंदिर का समय पर साईनाथ जी मंदिर बच्चे ओम साईनाथ और इनाथ बहुत पुरानो पीपल वृक्ष बारे में आप लोग जानते बोले कि देव वृक्ष है पीपल वृक्ष पीपल हो गया बरगद हो गया आम हो गया और कोई था आप देखे क्या हेटे लगा सकते कितना पुराना वृक्ष वाले जय भी माने तब रहे जाए तो मंगना है माने को नाला था बंदे जाओ अब जनी वो पूरा होंगे एक बार खुले आ जाए इसकी जड़ें अगर आप लगभग देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ ऊपर तक होंगे सही बात है। पंडित जी जिन्हें भी परमानेंट में ना आप अच्छा पंडित जी एक बारे में बता लीजिए जो नाला था बंदी नाम सही बनो कि जन का एक मान्यता मांगी रहन कुछ हाँ। उसी का होता है ना हाँ जी हाँ जी होता है ग्रहों की शांति के लिए होता हाँ, है हाँ, हाँ, हाँ। कई चीज़ें होती हैं जिस प्रकार से और आप बिल्कुल मतलब देखे पहले दृष्टि में पता पहले लेकिन कितना पौराणिक वाली हो पीपल वृक्ष देव वृक्ष पीपल जो सबसे पुरानी घंटी है वो उस तरफ लगी अच्छा हाँ वो पंडित जी बता रहे थे उस परिवल लिपि लिखी हुई है उसके बारे में तो अच्छा ये वाला है बर्मा की लिखाई है बर्मा जो कंट्री है उधर से ये लिख के लाए थे इसे तो इसमें जो भाषा लिखी है आम लोग इस चीज को नहीं पढ़ सकते ये बहुत ही बारीक चीजें हैं ये जो गेट है सबसे पुराना रिस्टोरेशन में ये सबसे लास्ट बचा हुआ अभी अगर कोई इसे ध्यान से देखे तो इसकी लिखावट समझ में आती है। देखा जी कुछ मेरे तो कुछ समझ में नहीं आना जो तो अगर आप लोगों को समझ में आए तो जरूर मेरे ही बताना पर बहुत पुराना जो ये एक दृष्टि में देखिए पता चल गया 18वीं सदी में ये मंदिर का निर्माण हुआ जिनकी बताना जाए तो वही दौराना के मंदिर जो और एक गेट भी देख लिया पुराने जमाने जो पूरा हुई जो बाकी तो ये रिस्टोरेशन करवाए हैं अच्छा ये बनवाए हैं हाँ ये हनुमान जी जय बजरंग बली महाराज 18वीं सदी से और इस टाइम तक अगर किसी चीज़ का चलना है तो उसको संरक्षित करना जरूरी है हाँ वो तो बात सही है तो उसको उसी हिसाब से देखते हैं। बाकी ये पुराना मंदिर ची एक तू निवारी ना भी मंदिर जानी मतलब बहुत सारा मंदिर एक साथ नहीं थे माता मंदिर भी ना जल्द हो रहा
और इन हावी चाह इना महाकाली च छोटा सा मंदिर और ये भी बहुत पुराना चीज है महाकाली। ये मंदिर देख लिया आपको ना पुराना मंदिर और बिल्कुल बीच पौड़ी बाजार में कोई दूर नहीं कि कोई दूर आल ऐ लॉज बड़े आ बड़ा बड़ा जी पौड़ी फेमस मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर। ना शनिदेव जी मंदिर शायद जय हो शनि महाराज के ओम शन शनैश्चराय नमः। जिन शनि महाराज ये शनिदेव हम पर कृपा करें। प्रांगण आप देख सकते हैं कि प्रांगण गंज बिल्कुल पूरा संगमरमर बिछो जे मां ऐसी स्पीकर भी लगी हो और गेट पर एक सुंदर मूर्ति सी लगी हो और कलर में फर्स्ट क्लास ये जो पुराने कलाकृति चे भी उन्हीं विराजमान ची मन छड़ी में ये ज्यो का त्यों है। अभी हाथी भी बड़े आँच चित्र सुंदर से उन्हीं का नहीं पुराना ये पुराना ही होगा ना एक है जो इसको अभी तक संभाल के रखा है वरना यहाँ पे पहले अभी तो ये पत्थर बिछा हुआ है मार्बल इससे पहले पूरे पठार थे पूरे पठार। अच्छा अच्छा जा ये पूरा यहाँ पे पूरा पठार है। ये जो पानी आता है जो यहाँ पे पानी आता है वो भी स्रोत का है। अच्छा वो स्रोत पीछे है खेत में चौपर वहीं पे से पानी निकल रहा है और सदियों से वही चल वही निकल रहा है। अगर आप अंदर मंदिर में जाओगे तो जो शालिग्राम होता है भगवान विष्णु का शालिग्राम उसकी आकृति आपको अंदर नजर आ जाएगी। तो एक बार आते आपने जो शालिग्राम को देखा होगा शालिग्राम की आकृति ये है ठीक। अगर आप ऊपर जाएंगे ये विधि होती थी इनको बनाने की जब ये नींव रखी जाती थी तो ये इस तरीके से ये पूरी कटिंग करके इसे बनाया जाता था बहुत स्टोरेज होती थी इसमें। ये देख लिया जी आप तो ज़्यादा कुछ वर्णन करने में तो जरूरत नहीं चे आप देखे कि पता कर सकते कि कितना पुरानी शैली चे और कया आकार में बड़े जी कन्नो कलाकार रहे बोला साक्षात भी भगवान के रूप रहे बोला जो उन्हें इतना अच्छी कलाकारी दिखाई। ये मंदिर तो मतलब तब से ही बनी हुआ ना तब से ये पुराना ही है। ये पुराना है बस इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन से हिसाब से इसे बदलाव किए गए हैं ताकि जो संरक्षित कर सके हम इन चीजों आगे के लिए। पहले तो ये सारा पत्थर का बना हुआ था आज भी देखो आप इतनी मोटी दीवार कहीं भी नहीं मिलती। हाँ वाकई ये बार ये इन सब का भार अगर संभालना होता था तो इतनी इतनी मोटी दीवारें रखनी पड़ती रखनी पड़ती सही बात है। जी हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान जी उनके नाम से मंदिर नाम से लक्ष्मी नारायण मंदिर कोरदार रोड पर है और हर बिल्कुल आसान जब जो पौड़ा भी कह सोच कोई दिक्कत नहीं खाण तो पंडित जी ने कुछ बहुत अच्छी अच्छी बात बताया ना पूरा शालिग्राम आकार ये जो कलाकारी हुई ची आकार अच्छा एक पंडित जी छो एक जो अगर मैंने बात कराओ हेठ पंडित जी छा और ऊँगनो ना छिन हमारे अच्छा अच्छा तुम्हारे पास अच्छा ठीक 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 अरे पीपल अभी रख साहब देख सकते बहुत पुराना तो मतलब हर चीज़ की व्यवस्था जी की मान ली। जय बजरंग बली जय सारे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पौड़ी को लक्ष्मी नारायण मंदिर जिनकी मैं बार बार बोलूँ अरे बहुत फेमस पर दुर्भाग्यवश मैं तो आज से पहली खाने मौको नहीं मिला आज पहली बार ही मौको मिल रहा। अच्छा पंडित जी फिर अर्सा मिनट पर सुंदर सी पौड़ी
बाइक बिल्कुल भितरे ले जाना। पंडित जी भी बहुत अच्छा चीनी खाकर पूरा सहयोग कर उन्होंने दोनों छापर बहुत बढ़िया पंडित जी।